आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड प्रेम, 4 साल में छठी बार पदार्पण। देश की हरित क्रांति का झारखंड से खुलेगा द्वार, ऊर्जा के क्षेत्र में नायाब तोहफा, आत्मनिर्भर बन जाएगा झारखंड। 16 साल बाद सिंदरी में मनेगी दिवाली, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम, एम्स चलकर आएगा देवघर। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड प्रेम छलक कर सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहां के लोगों से कहा था, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको देश की अगली पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे। उस समय विपक्ष ने इसे कोरा गप बताया था, लेकिन समय के साथ साथ यह स्थापित हो गया कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था उस पर वह 100% कायम है। 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी का सिंदरी दौरा झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अपने अब तक के 4 साल के शासन में यह छठा अवसर होगा जब प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के विकास की गठरी खोलेंगे। यह दौरा इसलिए भी विशेष है क्योंकि बिहार से अलग होने के बाद यह पहली बार होगा जब झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम रखेगा। सिंदरी में 16 साल से बंद खाद कारखाने का ताला खुलने से देश के किसानों की किस्मत करवट लेगी। झारखंड से देश में हरित क्रांति का बिगुल बजेगा। देवघर में एम्स का शिलान्यास होने से झारखंड के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब दिल्ली या चेन्नई का रुख नहीं करना पड़ेगा। देवघर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से संथाल परगना गुमनामी के अभिशाप से निकलकर विकासशील क्षेत्र की कतार में खड़ा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई की तर्ज पर झारखंड के 7 शहरों में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई होगी। रांची में यह योजना अगले साल शुरू हो जाएगी। इन सारी योजनाओं को झारखंड लाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष प्रेम झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल से ही संभव हुआ है। अपनी विशेष कार्यशैली के कारण रघुवर दास ने प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान झारखंड की तरफ खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी कल्याणकारी कदम उठाए उन्हें लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बना। इसी से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत झारखंड से की। वह चाहे मुद्रा योजना हो या फिर पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना या फिर सोलर क्रांति, इन सभी योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने झारखंड आकर की और यह देश स्तर पर लागू हुई। राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने की दिशा में नींव रखेंगे। पतरातू में NTPC और झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम के संयुक्त उपक्रम के तहत 6400 मेगावाट विद्युत संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रथम चरण में 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 3 प्लांट की स्थापना होगी। दूसरे चरण में 1600 मेगावाट के लिए 2 प्लांट स्थापित होंगे। प्रथम चरण का काम वर्ष 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस पर 18668 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को एम्स का नायाब तोहफा दिया है। इसके बन जाने से झारखंड के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली और देश के अन्य शहरों में अब नहीं भटकना पड़ेगा। देवघर में 1103 करोड़ की लागत से देवीपुरी अंचल में यह 237 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसे 45 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इस अस्पताल में 750 बेड, 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग और 15 ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। इसमें आयुष अस्पताल भी रहेगा। 100 बच्चे प्रतिवर्ष यहां MBBS की शिक्षा ग्रहण करेंगे और 60 छात्र प्रतिवर्ष नर्सिंग की ट्रेनिंग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदरी में खाद कारखाने का जीर्णोद्धार करेंगे। इसके खुल जाने से देश में हरित क्रांति का दौर एक बार फिर शुरू होगा। किसानों को अब खाद के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यही नहीं,
सिंदरी के हजारों लोगों के चेहरे पर शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री मुस्कुराहट भी देंगे, जो 16 साल से मायूस था। यह कहने की जरूरत नहीं कि खाद कारखाने के बंद हो जाने के कारण सैकड़ों परिवार उजड़ गए थे, पलायन हुआ था, पढ़ाई छूट गई थी। अब ये लोग भी राज्य के अन्य लोगों की तरह इंसान का जीवन व्यतीत करेंगे। बताते चले कि 7000 करोड़ की लागत से इस खाद कारखाने का जीर्णोद्धार होगा, 3 वर्ष में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ से 12,70,500 MTPA अमोनिया, 2200 TDP तथा नीम लेपित यूरिया, 3,850 TDP का उत्पादन होगा। यहाँ 400 लोगों को प्रत्यक्ष और 2500 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। फ्रांस की टेक्निक कंपनी द्वारा आधुनिक और सुरक्षा की सर्वोत्तम तकनीक का इस्तेमाल होगा और इस संयंत्र में न्यूनतम विशिष्ट ऊर्जा की खपत और न्यूनतम प्रदूषण होगा। प्रधानमंत्री झारखंड के 7 शहरों के लोगों को पाइपलाइन से गैस आपूर्ति का तोहफा देंगे। रांची में अगले वर्ष से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। रांची के अलावा जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह के लोगों को गैस के लिए लाइन लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। इस साल सितंबर तक 2 CNG स्टेशन का निर्माण करा लिया जाएगा। आज की खबर विशेष में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक बेल आइकन दिखेगा, जिसे आप प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं। धन्यवाद।